मुझे कलकत्ता बहुत पसंद है। एक्चुअली दिवाली का वक्त जो है वो बहुत ही स्पेशल है कलकत्ता में, पूरी शहर को दुल्हन की तरह सजा देते हैं। कास्टिंग काउच के बारे में आपको बोलना चाहते हैं? मैं दिवाली के लिए आई हूँ, आप इतने डेस्परेट सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आई वॉन्ट टू विश एवरीबडी अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू। काली पूजा के समय में आप यहाँ पे आए हैं तो कैसा लग रहा है पहली बोले? मुझे कलकत्ता बहुत पसंद है और स्पेशली दिवाली का वक्त जो है वो बहुत ही स्पेशल है कलकत्ता में, पूरी शहर को दुल्हन की तरह सजा देते हैं। तो काली माता के पंडाल की आज उसकी गेस्ट हूँ मैं, एक्साइटेड हूँ सबसे मिलने के लिए। भौमी जी ने मुझे निमंत्रण दिया। तो आपका लास्ट जो फिल्म था वो RKK था, तब उसके बारे में थोड़ा बताइए। बात में देखिए, अभी यहाँ दिवाली के लिए आए हैं, RKK की बात कभी दोबारा करें। अभी तो सभी को मैं वेरी हैप्पी दिवाली बोलना चाहूँगी। फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत अच्छे क्रिटिकल रिव्यूज़ आए, रजत कपूर के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, बहुत अच्छा किरदार था मेरा गुलाबों का, बहुत इन्जॉय किया मैंने। उसके बाद आपका प्लानिंग क्या बॉलीवुड के तरफ के, क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या लग रहा है? एक नया प्रोजेक्ट है जो गुरमीत सिंह के निर्देशक में बना है, काउंसर नगर, वो आई थिंक इस साल के एंड तक रिलीज है। फिर भी आपको पूछना चाहते हैं कास्टिंग काउच के बारे में, आपको बोलना चाहते हैं? मैं दिवाली के लिए आई हूँ, आप इतने डेस्परेट सवाल क्यों पूछ रहे हैं? टाइम तो बहुत कम है। आई वॉन्ट टू विश एवरीबडी अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।